सदियों से शिवलिंग के रूप में भगवान शिव की पूजा की जा रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव और शक्ति को एक साथ प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की आराधना की जाती है। आज उसी के विषय में हम आपको एक विशेष तथ्य बताने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। भगवान शिव ने ब्रह्मा को क्यों दिया अर्धनारीश्वर स्वरूप में दर्शन? अर्धनारीश्वर स्वरूप का अर्थ है आधी स्त्री और आधा पुरुष। भगवान शिव के इस अर्धनारीश्वर स्वरूप के आधे हिस्से में पुरुष रूपी शिव का वास है तो आधे हिस्से में स्त्री रूपी शिवा यानी शक्ति का वास है। स्त्री और पुरुष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये कहा जाता है कि भगवान शिव ने सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा को अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन दिया था, लेकिन यहाँ सवाल यह है कि आखिर किस वजह से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर रूप लेना पड़ा। दरअसल इस सवाल का विस्तार से जवाब शिव पुराण की एक पौराणिक कथा में मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार जिस वक्त ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माण का जिम्मा सौंपा गया था तब तक भगवान शिव ने सिर्फ विष्णु और ब्रह्मा जी को ही अवतरित किया था। उस वक्त किसी नारी की उत्पत्ति नहीं हुई थी। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण का काम शुरू किया तब उन्होंने पाया कि उनकी सभी रचनाएं विवरोपरांत नष्ट हो जाएंगी और हर बार उन्हें नए सिरे से सृजन करना होगा। उनके सामने यह दुविधा थी कि इस तरह से सृष्टि की वृद्धि आखिर कैसे होगी। तभी एक आकाशवाणी हुई कि वे मैथुनी प्रजनन सृष्टि का निर्माण करें ताकि सृष्टि को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके। अब उनके सामने एक नई दुविधा थी कि आखिर वो मैथुनी सृष्टि का निर्माण कैसे करें। काफी सोच विचार करने के बाद भी जब वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके तो वे शिव की शरण में पहुंचे और शिव को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या प्रकट हुए। भगवान शिव ब्रह्मा जी के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर स्वरूप में उनको दर्शन दिए। जब उन्होंने इस स्वरूप के दर्शन किए तब उनके शरीर के आधे भाग में साक्षात शिव नजर आए और आधे भाग में स्त्री रूपी शिवा यानी शक्ति। अपने इस स्वरूप के दर्शन से भगवान शिव ने ब्रह्मा को प्रजननशील प्राणी के सृजन की प्रेरणा दी। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे इस अर्धनारीश्वर स्वरूप के जिस आधे हिस्से में शिव है वो पुरुष है और बाकी के आधे हिस्से में जो शक्ति है वो स्त्री है। आपको स्त्री और पुरुष दोनों की मैथुनी सृष्टि की रचना करनी होगी जो प्रजनन के जरिए सृष्टि को आगे बढ़ा सकेंगे। इस तरह शिव से शक्ति अलग हुई और फिर शक्ति ने अपने मस्तक के मध्य भाग से अपने ही समान कांति वाली एक अन्य शक्ति को प्रकट किया। इसी शक्ति ने फिर दक्ष के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिसके बाद से मैथुनी सृष्टि की शुरुआत हुई और विस्तार होने लगा। तो दोस्तों, यह खास जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।